जन्म से कि आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन उसके 13th चैप्टर और उसके हम देखेंगे 17th पद में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने फिरौन के कब्जे से इसराइलों को छुड़ाया तो उसने उनको चक्कर खिला करके लिखा हुआ है कि लंबे रास्ते से लेकर के गया, क्योंकि वो पलिश्तियों से के देश से उन्हें नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर पर ये इसराइली जब लड़ाइयों को होते हुए देखेंगे तो हो सकता है ये मार्ग से फिर जाएं और ये फिर से मिस्र देश में लौट जाएं, यानी कि गुलामी में लौट जाएं, यानी कि बंधनों में लौट जाएं। परमेश्वर हमारे हरेक बातों को, हमारे हरेक रास्तों को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी बात भली है और कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है। परमेश्वर इस बात को जानते थे यहाँ पर कि जो छोटा रास्ता है जो पलिश्तियों के देश से जाता है और उनको उस मार्ग में लेकर जाएगा जिस मार्ग में उनको जाना है, वो उनके लिए भला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उस रास्ते को घुमा करके उनको दूसरे मार्ग से लेकर के गया जो एक बड़ा रास्ता और एक बड़ा मार्ग था। हमें भी ऐसे ही फील होता है जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कई बार नहीं सुनी जाती। हो सकता है हमें अपनी जो प्रार्थनाएं हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, हमें लगता है कि अभी वो पूरी नहीं हो रही है या उसके लिए बहुत समय लग रहा है, तब क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता है। पर परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी बात भली है और कौन सी बात अच्छी। हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, पर परमेश्वर को पता है कि अगर कोई परेशानी को हम होते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि हम परमेश्वर के मार्ग से फिर जाएं। कि आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 39 और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए हुए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि ये जो यहाँ पर प्रार्थना की गई है ये एक पश्चातापी प्रार्थना है। हमें जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम पश्चाताप करें। बिना पश्चाताप के हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर इस प्रार्थना में कहा गया है कि मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा। आज परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आए तो हम इस बात को कहें कि प्रभु मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा, मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाऊंगा, क्योंकि जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं चुपचाप रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाए, अपने आप का अंगीकार करें कि हमने पाप किया है और हम पाप में पड़े हुए थे। और जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर हमें हरेक पापों से बचाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें हरेक पापों से छुटकारा देते हैं। जरूरी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के नजदीक आए। तो जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज जरूरी है कि हम अपनी चाल चलन पर चौकसी करें, हम किस तरह से चाल चलते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे लिए जाग नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दें। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको पुकारते हैं और वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। जब भी हमें निराशा होती है तो हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तो हम उसके नाम को ढूंढते हैं। यहोशापात ने देखा जब कई देश के लोग उसके पीछे आ गए हैं उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए, तो वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि जब हम उसको खोजते हैं तो वो हमें मिलता है। तो जब यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम उसके नज़दीक आएं तो हम क्यों सोते रहते हैं, हम क्यों आलसी हो जाते हैं, हम क्यों अपने ही दुनिया में खो जाते हैं, हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, हम क्यों नहीं उसका भय मानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आराम है। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसकी खोज में लग जाते हैं। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसके नज़दीक आ जाते हैं। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसके वचनों का पालन करते हैं। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसके साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आएं। जब हम उसे खोजेंगे और खोजेंगे तो वो हमारे और नज़दीक आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।